गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रहीम के दोहे, ठीक है। यहाँ क्या है, दोहे दिए गए हैं, मैं आपको समझा रही हूँ। कब रहीम के दोहे आपको है, कही रही संपत्ति सागे बन बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कैसे तय सोचमित। क्या है, अपन के मुश्किल समय में कोई अपना साथ नहीं देता। जब भी अपने पास पैसा, संपत्ति मीन्स पैसा अपने पास जब भी रहता है, सब लोग आते हैं अपने पास और अपने को अच्छे से बात करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन मुश्किल समय में जो अपना साथ देता है वही सच्चा मित्र है। ये क्या है, जल जाती बही तीज मीनन को मोहे रहीमन मछली नीर को ताऊना छाड़ती छो। क्या है, मछली जब भी पानी रहती है वो जिंदा रहती है, जैसे भी वो जाल में फंसकर वो ज़मीन पर आ जाती है वो मर जाती है। उसी तरह हम ना किसी को कभी भी उसकी कमियां का वो नहीं करना चाहिए हमें। जैसे वो मछली अपने जीवन के लिए सब कुछ, कैसा कहते हैं, वो थोड़ी देर के वास्ते ज़िंदा रहती है, फिर से उसे पानी में डाल दो फिर वो ज़िंदा हो जाती है। जाल में पकड़ के थोड़ी देर के लिए बाहर निकालो और उसके ऊपर जल डालो फिर से वो ज़िंदा हो जाती है, ठीक है। तरोवर फल नहीं खाते सरोवर पपियत ना पान, कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति सच ही सुजन। कैसे है, तरोवर में झाड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता, सरोवर पानी अपने आप नहीं पीता, हमें उसे झाड़ को पानी देते हैं और वो अपन को फल देता है। उसी तरह हमें अच्छे काम करना चाहिए और है ना, जो सज्जन पुरुष है वो, जो बड़े लोग हैं वो गरीब की सहायता करते हैं, लेकिन बदले में उनसे कोई ऐसा नहीं करते कि हाँ हम तुमको ऐसे सहायता करें तुम भी हमारे को ये करो बोल के, उन लोग ये सब बात नहीं करते। जो भी है सिर्फ वो गरीबों को मदद करते, उसको उनको क्या बोलते हैं, सज्जन पुरुष करते, जो बदले में कुछ नहीं चाहते। नेक्स्ट, तोते बादर कवार के जोए रहीम घरत धनी पुरुष निर्धन भाए करे पिछली बात। ऐसे जो बड़े आदमी रहते हैं वो कई पिछली बातें सब भुलाकर वो आगे बढ़ते हैं, और हमें ना कोई पिछली बात याद रखकर, हाँ उन्होंने ना किसी कभी ऐसा हुआ था अपन को, ऐसे जैसे कि चिड़िया है, अगर आज फॉर एग्ज़ाम्पल एक चिड़िया है जो है ना उड़ती उड़ती बहुत थक जाती, थोड़ी देर के लिए वो झाड़ पे बैठ के थोड़ा आराम करती है, क्या वो हमेशा के लिए उड़ना बंद कर देती है, नहीं ना। उसी तरह अपन पिछली बातें सब भूलकर हमें आगे बढ़ना है, अपन को पिछली बात रख के वही दिमाग में रख के उसके बारे में सोच कर अपना भी समय बेकार नहीं करना चाहिए और अपन को आगे बढ़ते रहना चाहिए। धरती की सी रीत है शीत घाम ओ मोह में जैसे परे सो सही रहे क्यों रहीम ये देह। धरती क्या है, धरती में क्या है, सब समा जाते हैं, अपन भी कभी अपन जब भी मृत्यु आकर कोई मर गए तो देह क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, शरीर क्या है वो मिट्टी में मिल जाता है अपन मर जाने का। तो इससे मोह क्या, इतना अपने आप से इतना मोह क्या है, धरती तो हर चीज़ को संभाल जाती है, धरती पे कई किस्म के लोग जैसे कि पानी झाड़ पशु पक्षियाँ मनुष्य ये सब रहते हैं और है ना, और पानी भी जैसे मेघ है, मेघ क्या है, मेघ तो धरती से मतलब समंदर से जो पानी जो मेघ लेता है फिर वही वो लौटाता है, किस तरह बारिश की तरह वो फिर से पानी लौटा देता है। और यह मनुष्य का शरीर भी जैसा है मिट्टी का बना हुआ है, अपन मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संपत्ति साथे सच्चे मित्र के बारे में आप क्या जानते हैं, सच्चा मित्र कौन है आपको वो लिखना है। और रहीम ने शरीर को की क्या विशेषताएं बताई हैं, मनुष्य के शरीर की क्या विशेषताएं बताई हैं उसके बारे में लिखना है आपको। और रहीम के कवार में मांस में गरजने वाले बादलों की तुलना कैसे निर्धन व्यक्तियों के साथ की है,
जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों की प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय करना चाहेंगे। नहीं क्या बताएं यहाँ पर आपको, गरजने और बरसने के बादल दो भी अलग होते हैं। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं हैं। और यहाँ पर क्या बताएं यहाँ पर, जैसे कि वो धरती, ये है धरती किसी रीत है सीमा माघो घाम और मैं जैसे परे सो सही रहे क्यों रहीम ये दे। तो क्या बताएं वो, और दूसरों को प्रभावित बहुत, दूसरों को अपनी पिछली बातें याद करके अपने उसको नुकसान पहुंचाना, ये करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बातें करना, ऐसे सब नहीं करना। गरजने वाले बादल क्या है, गरजते हैं, और बरसने वाले बादल, जो बादल में पानी बहुत भरा हुआ रहता है उसी से अपन को बारिश मिलती है। और थोड़े बादल कैसे रहते हैं, खाली वो गरजते रहते हैं। कि किसी एक ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हाँ वो अलग है ये अलग, सिर्फ गरजने के बाद गरजते, लेकिन उसकी अहमियत उसकी कीमत उसको रहती है और इसका इसको रहता है। जो गरजने के गरजते रहते हैं और बारिश बरसाने के बारिश बरसाते हैं। मेघ जैसे दरिया से समंदर से पानी लेता है, फव्वारे के जैसा धुएं के जैसा जो भी पानी लेता है वो फिर से लौट आकर वह धरती पर ही देता है, फिर वह दरिया में ही जाता है। आपको शब्द बना रहे हैं यहाँ पर नीर पीर जल पानी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्वर सरोवर परिवार तालाब, सरोवर नीत रीत दोस्त रीत, तरु अरु पेड़ वृक्ष तरु, मीत सरोवर नीर, ठीक है। भाषा की बात, अब वो क्या है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए, ठीक है। जैसे पेड़ परे पड़े रे या डे डे, विपत्ति विपत्ति, बादर बादल, मछली मछली, शीत शीत, ठीक है। प्रशंसा में क्या है, दोनों के भाव लिखना है आपको, ठीक है। कैसे तरुफ सही सज्जन धरती की सी या दे, इसके भाव आप इसके सच्चाई क्या है, जीवन की सच्चाई के बारे में लिखना है, ये दोनों का भाव लिखना है, ठीक है। पाठ के दोहे के आधार पर सुक्तियाँ बनाओ, ठीक है। थोड़े बहुत अपने ओन से सेंटेंसेस बनाइए, जैसे कि यहाँ पर बने हुए दोहे में वैसे ही आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आप है ना लेसन, थैंक यू। और आपको ना ये दोहे पढ़ना है, ठीक है। और इसके हार्डवेयर से संपत्ति विपत्ति विपत्ति मनिन छाणती सर्वर तरुवर संपत्ति सचिन सुजान पुरुष पाचिली रहीम, ये है, ठीक है। ये है आपके हार्डवेयर से, और ये सर, और ये थ्री क्वेश्चन से आपको ना नोट्स में लिखना है, ठीक है। और ये यहाँ पर ही लिखना, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।